के साथ हम सीखे हदीस सादर सादिया देखो सिखाते अदब हमको। बस पहुंच ही गया। हैं? ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, लग गई। सादर सादिया के साथ आओ सीखे हदीस सीखे हदीस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम साद भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। बाबर भाई, ये क्या हुलिया बनाया हुआ है आपने? सब खैरियत तो है? जी जी साद भाई, सब खैरियत है। बस वो एक मसला हो गया था। क्या मसला? असल में साद भाई, आज घर वालों को मामू के घर जाना था, शाम तक वापस आ जाएंगे। मेरे पास घर की चाबी थी लेकिन पता नहीं कहाँ खो गई, इसलिए मैंने दीवार कूदकर घर में जाने की कोशिश की लेकिन मैं गिर गया। इस चक्कर में ये सारे कपड़े खराब हो गए। ये तो बहुत ही गलत बात है बाबर भाई। अगर घर का दरवाजा लॉक था तो आपको दीवार कूदकर अंदर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। साथ भाई, अपने ही घर में कूद के जाने में हरज ही क्या है? बिल्कुल हरज है बाबर भाई। पहली बात ये है कि इस तरह से आप चोरों को घर में घुसने का रास्ता बता रहे होते हैं। दूसरी बात ये है, इस तरह दीवार कूदने से आपको चोट भी लग सकती थी। सही कह रहे हैं आप साद भाई, इंशाअल्लाह दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। अच्छा साद भाई, आपको तो पता है कि आज स्कूल में कितना होमवर्क मिला है। घर वाले तो शाम तक ही आएंगे। अगर आप इजाज़त दे तो क्या मैं आपके घर में रुककर अपना सारा होमवर्क कर सकता हूँ? मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे पहले बाबा जान से पूछना होगा। आप एक मिनट वहाँ चेयर पे बैठे, मैं बाबा जान से इजाज़त लेकर आता हूँ। जी साद भाई, ठीक है। अच्छा बच्चा कैसे बनना है बता दे। बाबा जान। जी बेटा, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी साथ बेटा, बोलिए क्या बात है? बाबा जान, बाबर भाई आए हैं, उनके घर वाले उनके मामू के घर गए हुए हैं और शाम तक आएंगे। उनके पास उनके घर की चाबी थी लेकिन शायद वो कहीं गुम हो गई है। उन्होंने होमवर्क करना है, क्या वो हमारे घर में रुककर अपने घर वालों का इंतजार कर सकते हैं? इस दौरान वो अपना होमवर्क भी कर लेंगे। आप एक काम करें, उन्हें लॉन में ही बिठा लें और उन्हें पानी वगैरह का भी पूछ लीजिएगा। जी बाबा जान। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। चलें बेटा, नमाज का वक्त हो गया है। जी बाबा जान। बाबर बेटा, आप भी चलें। अंकल वो असल में मुझे ये अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, मैं घर जाकर पढ़ लूंगा। बाबर बेटा, कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, तर्जमाए कंजुल इरफान, बेशक नमाज मुसलमानों पर मुकर्रर वक्त में फर्ज है। यानी नमाजों को उनके मुकर्रर किए हुए वक्त में ही पढ़ना जरूरी है। ठीक है अंकल, फिर मैं भी चलता हूँ आप लोगों के साथ, होमवर्क में आकर कर लूंगा। शाबाश बेटा। अच्छा बच्चा कैसे बनना है बता दे अदब हमको। बाबर बेटा, एक बात नोट किया आपने? क्या अंकल? आज आप अपने घर में क्यों दाखिल नहीं हो सके? अंकल, मेरे पास जो घर की चाबी थी वो खो गई थी। जी बिल्कुल, जिस तरह आज आप चाबी के बगैर अपने घर में दाखिल नहीं हो सके, इसी तरह जन्नत में जाने के लिए नमाज की बहुत अहमियत है। हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज जन्नत की चाबी है। सुभानअल्लाह। अंकल इंशाअल्लाह, अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नमाज कभी ना छोड़ूं। जज़ाकअल्लाह बाबर बेटा, अल्लाह पाक आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीर अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सादर सादिया के साथ हम सीखे हदीस बच्चों का मदनी चैनल आ गया।